हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल क्लीरियस आज हम बनाना सीखेंगे स्कर्ट जो कि बहुत ही आसान फ्लैट नेट है स्ट्रेट निडल्स पे ये बनेगा बिगनर ये बना सकते हैं बेस्ट प्रोजेक्ट है बिगनर्स के लिए भी ट्राई कीजिएगा जरूर इसमें मैंने सिंपली सीट स्टिच वाला बॉर्डर रखा है कास्ट ऑन करके फंदे सीधी सिलाईयों पे उसके बाद स्टॉक नेट स्टिच बुना है उसके बाद एक सीधे उल्टे वाला बॉर्डर है और ये स्ट्राइप्स हैं पट्टियां यहाँ पे वो भी सीट स्टिच पे है सीट स्टिच की वीडियो सेपरेट मैंने सिखाई हुई है मॉस स्टिच की आप वो जरूर देखिएगा ये शुरू करने से पहले अगर बिगनर है बटन आप अपनी चॉइस के लिए हमने देखे ये देखिए बैक पे भी बटन लगाया है यहाँ पे बटन आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं इसको भी हमने फिक्स करने के लिए यहाँ पे भी बटन होल बनाया है यहाँ पे भी आप इसको ऊपर से टाइट और लूज आराम से कर सकते हैं एज इसकी है आप एक साल से लेकर साढ़े तीन चार साल तक की बच्ची के लिए बना सकते हैं बट मैं हमेशा जैसे कहती हूं कि एज कम ज्यादा हो सकती है बच्चे कुछ हेल्दी होते हैं कुछ वीक होते हैं आपको मैंने बताया कि इजीली आप इसको टाइट और लूज कर सकते हैं मैंने बटन डाले हुए हैं इसमें पीछे और दूसरा अगर आप बटन नहीं तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल से जिनके लिए, जिनके लिए जिन्होंने इलास्टिक डालनी है और जिन्होंने बटन डालने हैं और यही मेथड फॉलो करके आप बड़ी लड़की के लिए भी बना सकते हैं बड़ी एज के लिए भी बना सकते हैं नाप सिर्फ अपनी रखिएगा मैं स्टेप बाय स्टेप सारी नाप भी बताऊंगी आपको ये जो मैं साइज बना रही हूँ उसके लिए हम 140 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे कास्ट ऑन वन फोर्टी स्टिचेज विथ एनी मैथड यू नो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस मैथड यू कैन सर्च कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीन आप किसी भी तरीके से फंदे सिलाई पे डाल सकते हैं अगर आपने ये मेथड फॉलो करना है तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीड नेट्स मेरी वीडियोस में जाके देख लें वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो हम सिलाई पे 140 फंदे डाल लेंगे कास्ट ऑन 140 फोर्टी स्टिचेस 140 फंदे सिलाई पे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं डबल काउंटर स्टिचेस बिफोर स्टार्टिंग टू निट एनी प्रोजेक्ट दो दफा फंदे गिन लें ताकि पूरे हों शुरू करने से पहले अब सिलाई पे फंदे डाली हैं आपने कास्ट ऑन 140 स्टिचेस 140 फंदे सिलाई पे हमने डाल लिया है अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं तो ज्यादा डालेंगे कम छोटी बना रहे हैं तो कम डालेंगे रो वन पहली सिलाई एक फंदा सीधा बुनेंगे नेट वन स्टिच एक फंदा उल्टा बुनेंगे पर्ल वन स्टिच नेट मतलब सीधा फंदा पर्ल मतलब उल्टा फंदा ये बिगनर्स के लिए है कीप रिपीटिंग नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन ऑल स्टिचेस पूरी सिलाई आपने इसी तरह बुन लेनी है एक फंदा सीधा फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा यहाँ पे हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो रही है एक फंदा उल्टा और सीधा और एक उल्टा रो वन कंप्लीटेड पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है रो टू दूसरी सिलाई ये ज़्यादा फंदे हैं तो ये इस तरह से राउंड अप हो जाते हैं अब अपने दूसरी सिलाई पे क्या करना है सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा फंदा बनना है वो कैसे ये देखें ये फंदा हमें सीधा मिला हुआ है मतलब पर्ल वन नेट वन करके अब दूसरी सिलाई आपने बुननी है रो टू पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन ऑल स्टिचेस दूसरी सिलाई सारे फंदे आपने एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करके बुनने हैं रो टू पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन दूसरी सिलाई आपने इसी तरह बुन लेनी है एक उल्टा एक सीधा करके रो टू पॉल वन निट वन पॉल वन निट वन ऑल स्टिचेस। रो टू कंप्लीटेड दूसरी सिलाई हमारी यहां पे पूरी हो गई है एक उल्टा एक सीधा अब थर्ड रो तीसरी सिलाई सेम इज रो वन तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे एक सीधा एक उल्टा फंदा एक सीधा एक उल्टा फंदा इसी तरह पूरी सिलाई बुन लेंगे थर्ड रो रो वन तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है पूरी फोर्थ रो चौथी सिलाई अब देखिए मैंने मॉस स्टिच का बॉर्डर बुना है जो कि मैंने थोड़ा सा बुना है तीन सिलाइयों का आपकी मर्जी है कि तीन सिलाइयों का बुनें उससे बढ़ा रखें जितनी जितना भी आप स्कर्ट का बॉर्डर रखना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है बॉर्डर बुन लेने के बाद अब स्टॉकनेट स्टिच बुनेंगे अब ये साइड देख रहे हैं आप इस तरह से तरफ से आपने शुरू करना है फिर कितनी सिलाइयाँ बुन लें वैसे आपकी मर्जी है कि रॉन्ग साइड रखें उल्टी साइड या ये वाली बट ये इसको सीधा मोस्टली बोलते हैं अगर जब तक आपको पैटर्न नहीं कह रहा ना कि ये साइड सीधी है तब तक ये साइड सीधी है तो तीन सिलाइया हो गई हैं चौथी सिलाई से हम स्टॉकनेट स्टिच बुनना शुरू करेंगे फोर्थ रो चौथी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। नेट ऑल स्टिचेस, फोर्थ रो स्टॉकनेट स्टिच में क्या होता है राइट साइड से सारे फंदे सीधी साइड से सीधे होंगे और उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे होंगे ये होता है स्टॉकनेट स्टिच तो मैंने ये इसकी ये जो राइट साइड है ये देखें ये राइट साइड वहां से मैं सारी सिलाइया सारे फंदे सीधे बुनूंगी बट बिगनर के लिए मैं ये करके दिखा रही जिनको आता है स्टॉकनेट स्टिच क्या है वो सीधा बुनना शुरू कर दें स्टॉकनेट स्टिच अगर आप और कोई डिजाइन भी रखना चाह रहे हैं ना स्कर्ट पे तो आप वो भी रख सकते हैं अभी रो फोर्थ रो नेट ऑल स्टिचेस वी विल नेट स्टॉकनेट स्टिच फ्रॉम हेयर फोर्थ रो कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे फोर्थ रो कंप्लीटेड चौथी सिलाई पूरी हो गई है पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे फिफ्थ रो पॉल ऑल स्टिचेस पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें ये देखें ये उल्टे बुन लें फिफ्थ रो पॉल ऑल स्टिचेस जितने भी आपके पास फंदे हैं अब सारे आप उल्टे बुन लेंगे रॉन्ग साइड पांचवी सिलाई सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए फिफ्थ रो कंप्लीटेड नाउ कीप रिपीटिंग रो फोर एंड फाइव फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द स्कर्ट आपने चौथी और पांचवी सिलाई जो अभी हमने बुनी राइट right साइड से चौथी सिलाई बुनी जो कि सारे फंदे सीधे बुनें और फिर पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुने यही सिलाइयां दो रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको लंबाई चाहिए स्कर्ट के लिए राइट right साइड से आप क्या करेंगे ये बिगनर के लिए समझा रही हूँ सारे फंदे सीधे बुनते जाएंगे यहाँ से और वापसी रिटर्न रूपये आपने क्या करना है सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे अभी ये देखिए छठी सिलाई है ना सारे फंदे सीधे फिर सातवीं सिलाई होगी तो सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगे इसी तरह रिपीट करते जाएं फिर हम जितनी भी उतनी लेंथ रखेंगे जितनी मुझे इस कट के लिए चाहिए मैं आपको नाप के बताऊंगी आप उतनी रखेंगे जितनी आपको चाहिए जिस भी साइज के लिए बना रहे हैं आप आठ इंचेस तक मैंने इसको बुन लिया है एट इंचेस एट इंचेस लेंथ आई वांट न कीप द लेंथ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट लेंथ यू वॉन्ट ये देखें यहां पर आठ इंच आठ इंच बुन लिया है अब हमने क्या करना है हमने डिक्रीजेस करने हैं और उसके बाद एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनना है आफ्टर निटिंग एट इंच वी विल डू द डिक्रीजिंग ऑन द नेक्स्ट रो एंड देन वी विल निट वन इन टू वन रिब बॉर्डर एंड ऑल्सो वी विल मेक टू बटन होल्स सो वी कैन मेक इट टाइट एंड लूज ईजीली हम दो बटन होल भी बनाएंगे ताकि आप लोग बच्चे को जब पहनाएं तो लूज और टाइट आसानी से कर सकें प्रॉब्लम ना हो ताकि आपको अभी नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो हमारी दूसरी मतलब लेंथ मिल गई है भले दस हो सौ हो पचास हो जितने इंचज भी लेंथ आपको चाहिए मेरे पास आठ इंचज लेंथ है इस साइज़ के हिसाब से तो वो मैंने बुन ली है अब हम डिक्रीजेस करेंगे फंदे घटाएंगे ताकि शेप आ जाए स्कर्ट वाला आफ्टर निटिंग एट डिक्रीजिंग रो फ्रॉम राइट साइड वी आर निटिंग नेट वन स्टिच एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदों का एक करेंगे फिर से अब यही आपने रिपीट करते जाना है पर मैं बिगनर के लिए बता रही हूं नेट वन नेट टू स्टिचेस टूगेदर एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक नेट वन स्टिच, देन नेट टू स्टिचेस टुगेदर. के टू टी ओ जी नेट टू टुगेदर की टेक्निक मैंने सेपरेटली भी सिखाई हुई अगर आप बिगनर हैं तो आप देख लीजिएगा इसी तरह यू विल रिपीट दिस वे होल रो नेट टू स्टिचेस टुगेदर नेट वन नेट टू स्टिचेस टुगेदर एक फंदा सीधा बुनेंगे और दो साथ में ये पूरी सिलाई इसी तरह बुन लेंगे हम आप बेशक आगे बुन में मैं सिर्फ बिगनर के लिए कुछ दफा और आपको बताऊंगी एक सीधा फंदा और फिर ये दो फंदों का एक फिर ये एक सीधा फंदा फिर ये दो फंदों का एक अब आप कहेंगे कि हमारे पास कितने भी फंदे हों तो क्या हम इसी तरह डिक्रीजेस इसी तरह फंदे घटाएँगे देखें आप अपनी जो बच्चे की जो ऊपर वाला बॉर्डर होगा उसकी विथ के हिसाब से फंदे घटाएँगे ज़रूरी नहीं कि मैं एक सीधा दो सात बुन रही हूँ तो आप भी बुनेंगे आपके अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप दो का दो का एक दो का एक दो का एक करते जाएं या दो फंदे बुने फिर दो साथ बुने फिर दो फंदे सीधे बुने फिर दो फंदे फंदे साथ में बुने इसी तरह करके भी बुन सकते हैं आप नाप लेंगे स्कर्ट पे कि भाई इतना हम हमने बॉर्डर रखना है ऊपर वेस्ट पे तो उ, उतना आप छोड़ेंगे फिर एक्स्ट्रा जितने फंदे होंगे भाई आपने होंगे घटाने फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह घटा रहे हैं ये टिप है एक लेकिन अगर आप फिलहाल बिगनर हैं तो आप इसको फॉलो करें एक दफा बना लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो नेट वन नेट टू स्टिचेस टुगेदर, दो एक फंदा बुनेंगे सीधा फिर दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर दो का एक अब यही रिपीट करते जाएं, आप फिर से एक फंदा सीधा फिर दो का एक फिर से एक फंदा सीधा पूरी सिलाई आप इसी तरह बुन लेंगे Decreasing row is रो इज डन वी आर डन decreasing रो हमने फंदे घटाने वाली सिलाई पूरी कर ली है पहले आठ इंच बुना फिर फंदे घटाए एक सीधा दो साथ में बुनके अब अब यहां से हम बॉर्डर शुरू करेंगे एक सीधे एक उल्टे वाला आप चाहें तो ये सिलाई जो है वो उल्टी बुन के राइट साइड से शुरू करें लेकिन मैं यहीं से शुरू करूंगी डिक्रीजेज हो गए हैं अब हम एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर शुरू करेंगे वी विल स्टार्ट निटिंग वन इंटू वन रिब बॉर्डर आफ्टर डिक्रीजिंग रो उसके लिए आप रॉन्ग साइड से एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे ना इट इज टोटली अप टू यू दु बॉर्डर यू वॉन्ट टू नेट ऑन इट आई एम नेटिंग वन इंटू वन रिब यू कैन नेट टू इंटू टू रिब इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आपकी मर्जी है आप सीधे एक सीधे एक उल्टे वाला बनाए दो सीधे दो उल्टे वाला बनाए बॉर्डर या मैंने बहुत सारे बॉर्डर डिजाइन सिखाए हुए हैं मेरी वीडियोज में आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं अभी हम रो वन फॉर द बॉर्डर पहली सिलाई बॉर्डर के लिए नेट वन पर्ल वन एक फंदा सीधा एक उल्टा नेट वन सीधा फंदा पर्ल वन उल्टा फंदा कीप रिपीटिंग दिस नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन एक सीधा एक उल्टा फंदा रिपीट करते जाएं। बॉर्डर की रो वन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है एक सीधा और एक उल्टा रो वन कंप्लीटेड फॉर द बॉर्डर अब बॉर्डर की अब यही सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जब तक जितना आपको बॉर्डर चाहिए यू विल रिपीट द सेम रो फॉर योर डिजायर्ड लेंथ यू विल रिपीट द रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर

वो उस पर सी लें चाहे सुई से सी लें या चाहे आ, मशीन हो आपके पास तो मशीन से सी लें। लेकिन अगर हम मशीन से सीएंगे तो आपको साइड सीने से पहले इलास्टिक लगाना है तो हम क्या करेंगे सारे फंदे नेट रो टू सेम एज रो वन टू द लास्ट फ्यू स्टिचेस लाइक नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन उसी तरह से ही एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते जाएंगे जैसे पहले सिलाई पे किया हमने क्योंकि ये एक सीधे एक उल्टे वाला हम बॉर्डर बुन रहे हैं स्कर्ट पे तो हम क्या करेंगे आखिरी कुछ फंदों तक हम उसी तरह सिलाई बुन लेंगे फिर हम दो बटन होल बनाएंगे नेट वन वन टू द लास्ट एट स्टिचेस नॉन नेट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदे साथ में बुनेंगे हम एक सीधा एक उल्टा बुनते आए यहां तक आठ फंदों तक फिर अब दो का एक किया है अब धागा लपेटेंगे एक दफा लपेटेंगे नेट वन वन पर्ल नाउ नेट दीज टू स्टिचेस टुगेदर अब ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे हमने क्या किया यहाँ पे दो फंदों का एक किया फिर धागा लपेटा उसके बाद में एक फंदा सीधा एक उल्टा बुना अब हम क्या करेंगे फिर से दो फंदों का एक करेंगे और फिर से धागा लपेटेंगे और ये दो फंदे बुनेंगे जैसे जा रहे हैं नेट वन पर्ल वन देखिए बॉर्डर आप किसी भी डिजाइन का बना रहे हो आपने खाली होल बनाने हैं दो मतलब दो सा दो का एक करेंगे होल बनाएंगे दो का एक करेंगे होल बनाएंगे क्योंकि हमने अगर यारन ओवर किया है फंदा बढ़ाया है तो घटाना भी है बराबर रखने हैं हमने हमने क्या किया एक सीधा एक उल्टा आखिरी आठ फंदों तक फिर दो का एक करके यारन ओवर फिर नेट वन पोर वन फिर से दो का एक करके यार्न ओवर निट वन पोर वन लिखा भी होगा आप उसमें पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा नाउ कीप रिपीटिंग सेम रो कीप निटिंग वन इन टू वन बॉर्डर फॉर योर डिजायर लेंथ फॉर द बॉर्डर फिर से मैं थोड़ा सा बिगनर के लिए बता दूं वही आपने पहली सिलाई अब रिपीट करते जानी है क्योंकि देखें हमने अब होल बना लिए हैं बटन होल्स बन गए हैं हमारे पास और अगर आपने इलास्टिक डालना है तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है आप बस सिर्फ जो है वो सीधा सीधा बुन लें ये देखें ये बढ़ाया जो यार्ड ओवर किया ये दो का एक मैं बता रही हूं बिगनेट्स के लिए कि आपने किस तरह से वा, वाले धागे को बुनना है ये यार्नोवर ओवर ओ वाली टेक्निक भी मैंने सेपरेटली बताई है मेरी वीडियोस में होगी हाउ टू डू यार्न ओवर बाय क्लीन नेट्स वाई ओ अब बस एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएं नेट वन पॉइंट वन एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लिया है मेरी जो सिलाइयां हैं वो हैं एक दो तीन चार पांच छः सिलाइयां हैं नाप के मैं आपको बता देती हूँ कि आपने नाप कितनी रखनी है एक इंच तक मैंने बॉर्डर रखा है वन इंच बॉर्डर बट यू कैन कीप द लेंथ अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आप अपनी मर्जी से जो है वो बॉर्डर को और बड़ा और छोटा कर सकती हैं मैंने एक इंच रखी है अब एक इंच मैंने बुन लिया है और मेरा धागा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे ये उल्टी सिलाई बन रही है उल्टी साइड की सिलाई बन रही है तो हम क्या करेंगे अब फंदों को उल्टा बुन के बंद कर देंगे आप चाहें तो राइट साइड से भी बंद कर सकते हैं अगर आप को जो एक इंच है वो इधर मिल रहा है आपका धागा इस तरफ है तो आप राइट साइड से इसको सीधा बुन के बंद कर लें वो भी आप कर सकते हैं नाउ पोल एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचे आफ्टर नेटिंग बॉर्डर फॉर वन इंच एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचे फंदों को उल्टा के बंद कर लें क्यों बाइंड ऑफ कर लिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं अब धागे को काट के सिक्योर करेंगे अगर आपके पास धागा ज्यादा बचा हो तो मेरे पास मेरे पास इतना धागा बचा है जो कि मैं साइड सीने के मुझे काम आ जाएगा हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है अब हम इसको सी लेंगे पहले हम इसको सीते हैं उसके बाद फिर उसके बाद इसकी पट्टियां बनाते हैं टेपेस्ट्री निडल लेंगे ऊन वाली सुई जो है आपकी वो ले लेंगे और हम क्या करेंगे अब हमने इतना इसको छोड़ना है यहां तक सिलाई नहीं लगानी है अगर तो आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो पहले अब अंदर की तरफ से इलास्टिक सी लें और उसके बाद फिर यहां से टोटली इसको कंप्लीटली बंद कर दें इफ यू आर गोइंग टू पुट इलास्टिक यू विल पुट इलास्टिक स्टिच इलास्टिक फ्रॉम इन साइड दिस साइड स्टिच इट अप एंड देन स्टिच द स्कर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू हेयर बट वी आर गोइंग टू पुट बटन्स बिकॉज आई मेड द बटन होल्स दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टिच इड फ्रॉम दिस पॉइंट द बॉर्डर मैंने बटन लगाए हैं इसीलिए मैं बॉर्डर को छोड़ के उसके नीचे से यहां से सिलाई लगाऊंगी यहां तक सिलाई लगाने का आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने ये वाला तरीका फॉलो करना है तो ये भी मैंने सिखाया हुआ है मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं अभी फिलहाल इसको नीचे लेकर आए धागे को जो कि हमने ऊपर छोड़ा हुआ है अगर आपके पास धागा नहीं बचता तो आप दूसरा धागा ले सकते हैं ज्यादा इसको टाइट ना करें ये देखिए हमने उतना उतना छोड़ना है बॉर्डर तक और उसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है हम इसको सीना शुरू करते हैं तो बेसिक सा मेथड है सिलाई लगाने का यहां से आप दो तो ये आखिरी वाली लाइन देख रहे हैं ना ये आखिरी फंदे वाली यहां से दो लाइनें वहां से लेंगे दो वहां से लेंगे और इसी तरह से मिलाते जाएंगे और आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आप टाइट ना कर दें ये देखिए ये इस तरह से हमने सारी सिलाई लगा दी है सी लिया है अब रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से आप वेव इन कर लें जिस तरीके से भी आपको वेव इन आता हो वेव इन लेटर हमारी स्कर्ट यहां पे रेडी हो गई है अब हम क्या करेंगे इसकी ऊपर वाली डोरिया स्ट्राइप्स बनाएंगे छह फंदे हम स्ट्राइप के लिए डाल लेंगे शोल्डर पट्टियों के लिए अब देखिए एक ग्वार से देखिएगा क्योंकि दूसरी भी आपने सेम ही पट्टी बनानी है दूसरे शोल्डर की दो चार पांच छ कास्ट ऑन सिक्स स्टिचेस मैंने लॉन्ग टेल इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैंने दोनों पट्टियां इसी धागे के साथ सीनी है किस तरह सी होंगी मैं आपको बताऊंगी लेकिन अभी आपने फंदे डाल लेने हैं कास्ट ऑन सिक्स स्टिचेस छ फंदे सिलाई पर डाल लेने के बाद रो वन पहली सिलाई रो वन पहली सिलाई नेट वन एक फंदा सीधा पर्ल वन एक फंदा उल्टा मॉस स्टिच वाला हम इस पर डिजाइन रखेंगे जो मैंने स्कर्ट के बॉर्डर पे रखा है नीचे वाले बॉर्डर पे मैं फिर से आपको कह रही हूं कि आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आप सर्च कर सकते हैं मॉस स्टिच बाई क्लीन ये देखें रो टू रो वन नेट वन पॉल वन नेट वन पॉल वन रो टू पॉल वन नेट वन पॉल वन नेट वन ये देखें एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर से एक उल्टा और एक सीधा जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम इसमें क्या करते हैं रिटर्न रो पे सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा फंदा बनते हैं ये स्टिच पैटर्न की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा कीप रिपीटिंग टू फॉर फॉर योर डिजायर्ड लेंथ द स्ट्राइप बिफोर बटन होल्स आप यही दो तो सिलाइयां रिपीट करते जाए तब तक जब तक आपने बटन होल नहीं बनाने हैं पट्टी पे अभी आप अब नाप लीजिएगा लेकिन मैं इसकी भी नाप आपको नाप के बताऊंगी कितनी लेंथ रखी है लंबाई मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिगनर के लिए आई एम रिपीटिंग फॉर बिगनर अगेन थर्ड रो सेम एज रो वन निट वन तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह एक सीधा और एक उल्टा फंदा फिर से एक सीधा और एक उल्टा फंदा फिर से एक सीधा और एक उल्टा फंदा फिर फोर्थ रो चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह एक उल्टा और एक सीधा फंदा ये देखें ये जो आपको इस तरह का शेप दिख रहा है ये हमें सीधा मिला हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे उल्टा बुनेंगे बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये दो सिलाइयों का रिपीट है इसकी वीडियो जरूर देखिएगा और थोड़े से फंदे डाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोई भी डिजाइन रखें किसी चीज पे उसकी प्रैक्टिस मस्ट मैं हमेशा आपको कहती हूँ हर वीडियो में नाउ कीप रिपीटिंग दीज टू रोज फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर द स्टेप यही बस दो सिलाइया आप रिपीट करते जाएं 18 इंचेस हमने पट्टी बुन ली है 18 इंचेस तक निडल के नीचे से ना पे तो अठारह इंच पट्टी बुन ली है अब हम बटन होल्स बनाएंगे दो बटन होल बनाऊंगी मैं पहला बटन होल अभी बनाऊंगी आफ्टर निटिंग 18 इंच हम क्या करेंगे बटन होल बनाएंगे तो सीट स्टिच वैसे ही रहेगा मॉस स्टिच सीज कुछ भी कह लें डिजाइन वैसे ही रहेगा कोई भी पट्टी बना रहे हैं आप डिजाइन वैसे ही रहेगा बट हम बीच में एक बटन होल बनाएंगे जैसे वहां पे बनाया यार नोवर वाला अब इधर हमने क्या करना है तीन फंदे बुने और दो दफा धागा लपेटूंगी दो दफा इसलिए क्योंकि जो यहां पे बटन लगेगा वो थोड़ा साइज में बड़ा है मैंने वन रो बटन होल भी सिखाया हुआ है वो दूसरी डिजाइन का होता है बिगनर अगर सीखना चाहें तो उसकी भी वीडियो होगी मेरी वीडियोस में लेकिन ये सिंपल वाला है मैं पैटर्न को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रही बिगनर के लिए आसान हो ताकि दो दफ़ा धागा लपेटें और इन दो फंदों को साथ में सीधा बुन लें और ये वाला फंदा उल्टा बुने क्योंकि डिज़ाइन हमने सेम रखनी है उसको चेंज नहीं करना है बस होल बनाया रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है अब वापस कैसे मोड़ेंगे डिजाइन अब वैसे ही रखेंगे बस होल बनाया है जैसे हम बुन रहे थे रिटर्न रो सीधे फंदे पे उल्टा उल्टे पे सीधा फिर से एक फंदा उल्टा एक सीधा मतलब चार सिलाइया बीच में आप बुन लें, रिटर्न रो के साथ चार सिलाइया बीच में बुन लें एक हो गई अब दो दूसरी सिलाई तीसरी सिलाई गैप बटन होल के बीच में आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि मैं जितनी सिलाईया रखूँ, जितना गैप रखूँ, आप भी उतना रखें मैं आपको नाप पे नाप के बताऊंगी गैप कि कितना गैप है तीन चार अब मैं आपको नाप के बताती हूँ चार सलाइयाँ हो गई हैं आप चाहें तो गैप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में एक सेंटीमीटर जितना गैप है एक सेंटीमीटर ठीक है एक सेंटीमीटर जितना गैप है वन सेंटीमीटर गैप बिटवीन बोथ बटन होल्स फर्स्ट बटन होल देन नाउ वी विल मेक सेकंड बटन होल आपने रों राइट साइड का ख्याल जरूरी नहीं है कि रखें आप जस्ट नाप को फॉलो करें ये वैसे भी हम सी लेंगे ये देखें यहां से अट्ठारह इंच बुना उसके बाद एक बटन होल बनाया है बीच में चार सिलाइया बुनी हैं, एक सेंटीमीटर तक और उसके बाद अब दूसरा बटन होल में एक अदर बटन होल उसी तरह से ही तीन तीन फंदे बुन लिए हैं उसी तरह अब यार्ड ओवर करेंगे और फिर उसके बाद फिर दो का एक करेंगे और फिर एक फंदा बुन लेंगे ताकि बीच में होल बन जाए फिर दूसरा बटन होल अब अगला फंदा जो है वो पर्ल है उसके बाद ये निट है तो हमने क्या करना है उल्टे पे सीधा बुनना है सीधे पे उल्टा बुनना है और फिर ये उल्टे पे सीधा बनना बुनना है तो अगला फंदा हम क्या बुनेंगे उल्टा बुनेंगे तो दो डिजाइन को फॉलो करते हुए धागे को हमने दो दफा लपेटा और अगले दो फंदों को हमने साथ बुना बगैर उल्टा करके क्योंकि उसके बाद वाला फंदा जो है वो हमने सीधा बुनना है अगर आप बिगनर हैं और आपको कंफ्यूजन हो तो आप जैसे मैं बुन रही हूं वैसे बुन लें बटन होल दूसरे पे हमने क्या किया तीन पहले पे भी उसी तरह किया तीन फंदे बुने यार्ड ओवर किया और फिर डिजाइन वैसी ही अब इसकी जगह पे रिबिंग बुन लें केबल वाली पट्टी बुन लें या स्टॉकनेट स्टिच बुन लें या गार्टर स्टिच बुन लें जो भी डिजाइन रखनी है बीच में भाई एक यार्न ओवर करना है तीन फंदे इस तरफ तीन फंदे इस तरफ अब आपने रिटर्न रो करनी है एक अब जैसे सीड स्टिच है वैसे ही रखेंगे ये उल्टा मिला हुआ है फंदा इसको उल्टा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे और अब इसको जो है हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है ये सीधा आ रहा है तो हम उसको उल्टा बुन लेंगे ये है मॉस मॉस स्टिच कहते हैं कुछ सी, सीड स्टिच कहते हैं इसकी वीडियो आप सेपरेटली जरूर देख लें मैं फिर से कह रही हूं क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी फिर से कुछ सिलाइयाँ बुन लेंगे अच्छा अब ये सीधा मिला हुआ है फंदा इसको हम उल्टा बुन लेंगे और फिर ये दूसरी सिलाई है हम रिटर्न आए फिर से रिटर्न जा रहे हैं तीन सिलाइयों के बाद हम बाइंड ऑफ करेंगे आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से भी गैप रख सकते हैं कि, कि बटन होल के बाद कितना गैप देने के बाद आपने फंदों को बंद करना है पट्टी की लेंथ आप मैंने बोला है पहले कि अपने हिसाब से रख सकते हैं और बटन्स का गैप आप अपने हिसाब से देंगे कि कितना आया है बटन होल का क्योंकि बटन तो स्कर्ट पे लगेगा पट्टी पे हम बटन होल बना रहे हैं ताकि इसको अगर लूज़ हो टाइट और लूज़ कर सकें ये देखिए वैसे भी ये स्ट्रेची होती है बहुत इसीलिए मैंने दो बटन होल दिए हैं एहतियातन अगर आपकी काउंटिंग अच्छी है तो आप ज़रूरी नहीं कि दो आप एक भी बना सकते हैं मैंने जस्ट एहतियातन इसको दिए हैं दो बटन होल अब बाइंड ऑफ करते हैं सारे फंदों को निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दें सीधा बुन के ये हमारी स्ट्राइप तैयार हो गई है अब दूसरी भी इसी तरीके से बना लें क्योंकि दो चाहिए ना हमें दूसरी भी इसी तरीके से बना लें देखें, रेडी हो गई है धागा काट लें धागा उतना काट ले जितना करें। दोनों स्ट्राइप्स हमारे पास रेडी हो गई हैं। एक जितनी स्ट्राइप्स है एक ही तरीके से बनाई हैं, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाई दोनों उसी तरह बनाएंगे अब स्कर्ट भी रेडी है स्ट्राइप भी रेडी है और हमारे पास बटन्स भी हैं बटन आप अपनी चॉइस के लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हो आप लगा सकते हैं बटन सीने का तरीका मैंने वीडियो में जो डिटेल में स्लोली सिखाया हुआ है उसकी सेपरेट वीडियो है कि किस तरह से आप बटन सीएं ये वाला भी और ये वाला भी ये बटन मैंने ऑलरेडी इधर सिया है मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको बंद कर सकते हैं आप इधर बिल्कुल बिल्कुल इधर कोने में आपने इसको सीना है ये देखें बिल्कुल कोने में इसको सीना है ये वाला बटन भी मैंने सी, सीना सिखाया है और अगर आपको और किसी तरीके से सीना है तो आप सी सकते हैं अच्छा अब इसको आप तो, किस तरह से बंद कर सकते हैं एक तो आप अगर स्कर्ट टाइट नहीं है तो आप इसी तरह ही बंद कर लें इसी तरह ही सही है अब अगर स्कर्ट फिर भी लूज है तो इसको टाइट कैसे कर सकते हैं ये इस तरह से देखें प्यारा लग रहा है सा और यहां पे भी आप चाहें तो इस तरह का बटन भी लगा सकते हैं आपकी च्वाइस से आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस तरह का बटन लगाना चाह रहे हैं तो स्कर्ट हमारा रेडी हो गया है यहां पे अब हम क्या करेंगे यहां पे स्ट्राइप लगाएंगे और यहाँ पे बटन सियगे अब आप मर्जी है कि पहले आप यहां पे बटन लगाएं पहले बटन लगा के उसके बाद स्ट्राइप सीए या पहले स्ट्राइप सीके उसके बाद बटन लगाएं टोटली अप टू यू मैं जल्दी से आपको सी के दिखाती हूं अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है ये दूसरी तरफ वाला जो धागा है जो एक्स्ट्रा आपको धागा मिला होगा वो आपने वेव इन कर देना है यू विल वेव इन एक्स्ट्रा यर्न एक्स्ट्रा जो भी आपके पास धागा होगा आप उसको वेव इन कर दें किसी भी मेथड से आप वेव इन कर सकते हैं रॉन्ग राइट right, कोई भी साइड क्योंकि डिसअपेयर हो जाएगा और कोशिश करके जो हम बैक साइड पे सीएंगे उस साइड से इसको वेव इन करें ताकि वो पीछे से हो जाएगा यू कैन वेव इन विथ एनी मेथड यू नो ट्राई टू वेव इन ऑन बैक साइड the side which will which we will stitch up here back side अभी हम जल्दी से इसको मिला देते हैं बटन्स मैंने यहां पे सी लिए हैं और इसमें अंदर स्ट्राइप डाल ली है अगर अब आपकी मर्जी आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी साइड बिल्कुल इस तरह से सीना चाह रहे हैं ये इस तरह से सिंपल प्लेन यू कैन ऑल्सो शेप योर स्ट्राइप लाइक दिस बटन हेयर एंड स्टिच इट अप हेयर बैक हेयर बटन हेयर एंड स्टिच इट अप बैक हेयर एंड अदर ऑप्शन इज बुच आई एम गोइंग टू डू इट is like this. आपके पास ऑप्शन है कि आप उस तरह से इसको सीए या इस तरह से इसको शेप देखें स्कर्ट रेडी हो गया है हमने स्ट्राइप सी ली है साइड सी ली है वेव इन आप कर लीजिएगा मैं फाइनल इसकी थोड़ी सी आपको नाप बता देती हूँ मैंने आपको कहा था कि सीने के बाद मैं आपको बताऊंगी 14 इंचेस 14 इंचेस साढ़े चौदह इंचिस कर ले 14 एंड हाफ इंचेस 14 एंड हाफ इंचेस इसकी विट थे अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये 15 तक भी जा रही है और मैं स्ट्रेच नहीं कर रही इसको ज़्यादा और अगर ऊपर से देखें तो साढ़े नौ इंचज इसकी विथ है और लेंथ इसकी विड़थ इसकी चौड़ाई जो है साढ़े चौदह और इसकी लंबाई है नौ इंचेस और इसकी ऊपर से जो विथ है वो है साढ़े नौ इंचज नाप मैंने आपको बता दी है अब ये देखें बटन को आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं और अगर आपने टाइट करना हो तो इस तरह से इस तरह से भी इसको बंद कर सकते हैं टोटली आपकी मर्जी है डिपेंड ऑन यू आप आसानी से इसको फिक्स कर सकते हैं स्कर्ट हमारा रेडी हो गया है इसको बनाइएगा जरूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज पे पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा बिगनर भी ट्राई करें क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई है कोई चीज ना हो तो आप फिर भी कमेंट कर लीजिएगा सीट स्टिच की वीडियो जरूर देखिएगा और तस्वीरें मेरे साथ बना के ज़रूर शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज